हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल मैंने जो अपने दो पुराने बैट को कटवाकर मिडलर बैट में बदला था गाइस, तो आज उसका परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है। कैसे वर्क करता है, कितनी देर सर्वाइव करती है गाइस हमारे बैट, कितनी जल्दी टूटती है, अगर नेट खाली होगा गाइस तो आर्मर के अगेंस्ट भी खेलकर देखेंगे कि कितनी देर टिकती है आर्मर के अगेंस्ट। तो जैसे हो पाए मैं इसका आज परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिसके कारण हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फाइनली गाइस, हम लोगों ने अपना स्ट्रेचिंग पूरा कर लिया और रनिंग भी कर ली है, वार्म अप एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कर ली, जिससे हमारी बॉडी पूरी अच्छी तरह से काम करे। और अब थोड़ी देर में ही नेट खाली होने वाला है गाइस, तो साइड आर्मर से खेलेंगे मिडलर बैट। गाइस, हमारी प्रैक्टिस आज की खत्म हो चुकी है और गाइस आज उतनी लाइट अच्छी से आ नहीं रही है, उसी लिए हमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। आज का बैट का मैं जो रिव्यू देने आया था वो कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा गाइस, क्योंकि जो मैंने मिडलर बैट बनवा कर लाया था गाइस, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब मैं ओवर आर्म खेला ठीक था, अंडर आर्म खेला ठीक था, लेकिन जब मैं साइड आर्मर से लगभग 50-60 बॉल खेले, उसके बाद में भाई एक एज लगता है मोटा वाला और उसके बाद मेरा मिडलर बैट टूट जाता है गाइस, तो मिडलर बैट सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन हालांकि एक और मिडलर बैट है, ये तो कश्मीर विलो बैट का मिडलर बैट है और एक इंग्लिश विलो बैट का है, तो वो कितना स्ट्रगल कर सकता है और कितना देर टिक सकता है गाइस, उस पर भी एक ब्लॉग लाएंगे। तब तक के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।